नमस्कार, मेरा नाम है सौरव नीलेश। आप सुन रहे हैं करो योग रहो निरोग रेडियो खांची पर 90.4 FM, हम सबका रेडियो। आज के हमारे इस सत्र में हम जोड़ों के दर्द के ऊपर उनका क्या उपाय है योग से, उनका क्या इलाज है योग से, उसको देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जोड़ों का दर्द नॉर्मली आमतौर पर वयस्कों में अधिक देखा जाता है, खास करके जिनको अर्थराइटिस की समस्या है उनमें जोड़ों के दर्द को देखा जाता है। किंतु जोड़ों के दर्द और भी कारणों से हो सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के चलते जोड़ों में दर्द आ सकता है, इसके अलावा शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने की वजह से भी जोड़ों में दर्द आ सकता है। तो आइए देखें कि जोड़ों के दर्द के लिए कौन कौन से योगाभ्यास उचित हैं। सबसे पहले हम जो अभ्यास देखने जा रहे हैं योग में, वो वैसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी उम्र 40-45 वर्ष से ऊपर की है और जिनको बढ़ती उम्र के चलते घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द रहता है। जो व्यक्ति बढ़ती उम्र के चलते या आर्थराइटिस के चलते जोड़ों के दर्द से ग्रसित हैं, वो योग में पवन मुक्तासन भाग 1 और 2 का अभ्यास निश्चित रूप से करें। पवन मुक्तासन भाग 1 और 2 का अभ्यास, जिसको कि हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, माइक्रो एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, यह आपके जॉइंट्स को वापस से कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जॉइंट्स में जोड़ों में हुए नुकसान को वापस से भरपाई करेगा और 3 से 6 महीने के अंदर आपके जोड़ों के दर्द से कम्प्लीटली निजात दिला देगा। अब वो व्यक्ति जो यूरिक एसिड बढ़ने के चलते या शरीर में किसी और टॉक्सिन्स के बढ़ने के चलते जोड़ों के दर्द से प्रभावित होते हैं, उनके लिए योग में अभ्यास है या पवन मुक्तासन भाग 1 और 2 का अभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, भाग 1 और 2 का अभ्यास करें, साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम, उदर श्वसन, वक्ष श्वसन और कुंजल का अभ्यास प्रतिदिन करें। कुंजल के अभ्यास से आपके शरीर में मौजूद जितनी भी गंदगी है जिसके चलते आपको जोड़ों के दर्द से सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो यूरिक एसिड का बढ़ा मात्रा हो या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा मात्रा हो, तो उन सभी से ही आपको निजात दिला देगा। इन अभ्यासों को करने से आपको विगत हफ्ते से 10 दिन के अंदर परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा और 3 से 6 महीने के अंदर अगर आप रेगुलर इस अभ्यास को करते हैं तो आपको जोड़ों के दर्द से निश्चित ही निजात मिल जाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची, हम सबका रेडियो।